दिल्ली में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। उनकी मांग थी कि परीक्षा के लिए तय की गई आयु सीमा को 2 साल बढ़ा दिया जाए और इसी मांग के साथ वो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में धरने पर बैठ गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने काफी जोर आजमाइश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना की वजह से उनके पिछले 2 साल बेकार हो गए। उनकी मांग थी कि जिस तरह राज्य सेवा आयोग और अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती में रियायत दी गई, उसी तरह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी 2 साल की छूट दी जाए। तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी। हालांकि हंगामा बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसका कुछ देर तक वो सख्ती से सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब रही। इधर यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोग एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो लोग पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। इस दौरान वो जान बचाकर भागते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जमकर पिटाई की। उनमें एक आदमी तो कुल्हाड़ी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ता दिखाई दिया, हालांकि वो किसी तरह से बचने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद डीजल डलवाने के बाद पैसे न देने पर शुरू हुआ। आरोप है कि तेल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब कर्मचारी ने पैसे की मांग की तो उसकी पिटाई कर दी गई। सबने अपने साथी और बुलाए, आवाज लगा के बाहर से लाठी डंडे लेके आए, 200 रुपए डंडे की वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे मारपीट करी। बताया गया कि इस मारपीट में पेट्रोल पंप पर तैनात 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उधर अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए नजर आए। वीडियो में कैटरीना ब्लैक हुडी और काले चश्मे के साथ कैप पहने नजर आई, वहीं उनके पति विक्की कौशल उनके साथ मैचिंग कपड़े पहने दिखाई दिए। फ्लाइट में बैठी एक यात्री ने जैसे ही अपने बीच इन दोनों हस्तियों को देखा, उनका वीडियो बना लिया, जिसे कैटरीना और विक्की कौशल के प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में वार्ड पार्षद के समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ के बीच पार्षद का समर्थक फायरिंग करता दिखा। उसने एक दो नहीं बल्कि 5 बार हवा में गोलियां दागी। समर्थक की हवाई फायरिंग के दौरान वहां काफी भीड़ थी और कुछ लोग अपने घरों से जश्न देख रहे थे। उसने इसकी भी परवाह नहीं की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने समर्थक की हवाई फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। भुवनेश्वर में एक आदमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब वो एक होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर मरने की धमकी देने लगा। भुवनेश्वर के शिशु भवन चौराहे पर एक आदमी होर्डिंग पर चढ़ गया और खुद को जान से मरने की धमकी देने लगा। कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आदमी को समझाकर उसे नीचे उतारा। होर्डिंग पर चढ़ने वाला आदमी सामाजिक कार्यकर्ता है और वो राउरकेला की कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए सीएम नवीन पटनायक से मिलना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते के इंतजार के बावजूद भी उसकी सीएम से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में गुस्से में आकर वो होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर खुद को जलाकर मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे होर्डिंग से नीचे उतारा।